जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कश्मीरियत का जीता जागता उदाहरण पेश किया है। इलाके में जारी लॉकडाउन के बीच 110 साल के कश्मीरी पंडित के अंतिम संस्कार के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए। शोपिया के जैनापुरा में कश्मीरी पंडित कंठराम की मौत की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग आगे आए और अंतिम संस्कार में मदद की। इलाके में कोरोना के प्रभाव की वजह से यहां बुधवार से 5 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बाद भी कई लोग मृतक के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि लंबी बीमारी की वजह से गुरुवार को सुबह कंठराम की मौत हो गई थी। उनके परिवार और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। बुजुर्ग का परिवार उन कश्मीरी पंडितों में से था जो 90 के दशकों की शुरुआत में घाटी में हुए संघर्ष के बाद भी विस्थापित नहीं हुए थे। यह पहली बार नहीं है जब कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों या अन्य धर्मों के लोगों की अंतिम संस्कार में मदद की है। इससे पहले 4 जून को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा के कलोसा गांव में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कश्मीरी पंडित महिला के अंतिम संस्कार में उसकी मदद की थी। मई के दूसरे हफ्ते में सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल इलाके में लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम लोगों ने एक सिख व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया था। वहीं दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित का पड़ोसी मुस्लिम परिवार ने भी अंतिम संस्कार किया था। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। ये दुखद खबर जो मिली हमें सुबह सवेरे कि जैनपुरा में हमारा एक जी शख्सियत हमारा पंडित जो है कंतराम वो स्वर्गवास हुआ है। हमारे जाति तौर बहुत दुख हुआ है। मैं आप मुझे जानती हूँ कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ शोपियां का, तो वहाँ का जो बरादरी थी हमारी मुसलमान बरादरी थी, उन्होंने आखिरी रसूमा जो उसके अदा करने थे क्रियाक्रम में पूरी बरादरी ने मुसलमान बरादरी ने वो अंजाम दिया है। और हमें बहुत दुख है कि पंडित लोग जो यहाँ से चले गए हैं आज भी उनकी कमी हमें महसूस हो रही है, काफ़ी महसूस हो रही है। और आज भी हम चाहते हैं कि हमारी बरादरी हमारे साथ रहे, वो पंडित लोग वापस आए हमारे साथ इकट्ठे रहें। तो काफ़ी हमें भी महसूस हो रहा है कि पंडित यहाँ पे नहीं है, कि ये हमारी जो सदियों से चल रहा है हमारी बरादरी मुसलमान पंडित मुस्लिम सिख ईसाई मतलब मुस्लिम ईसाई और हिंदू जी हमारी जो बरादरी थी वो कायम और दायम इंशाल्लाह रहेगी और है भी है। आज जो मिसाल आपने देखी है हमारे जैनपुरा में, तो मुसलमान भाइयों ने सारा जो क्रियाक्रम का जो करना था तो वो सारे मुसलमान भाइयों ने किया है। मैं पंडित भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि उनको भी महसूस है कि हम कश्मीर से दूर है, हमें भी उनका भी काफ़ी महसूस हो रहा है कि वो हमसे दूर है। मैं गुजारिश करता हूँ उनसे अगर हो सके तो अपनी वतन अपनी कश्मीर वापस आ जाए। پانہ ہمیشہ کُنی اس پانہ برادری یوں گژھن تہ اخر کس یوں گژھن تہ اسہِ اکس اکس اس پانہ کُنی قسم کتاب کار چیز نہ اس پانہ ونی کوٹ ریز می کھون چون تہ کار کام کر دی کوٹ کرن یوس واجس کار اس واجس تہ ہوس تہ تنی دس مسجد ان کات مو کو یوس یوں گژھن تہ اس تہ جو ہو یوں گژھن پانہ اس ونی اس اتفاق کو پانہ تر سوک برادری یوس گوس تس کوئی ماوس کو اخر کے سو دی چھو کھادر اس تکلیف اس کی اوس ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.